इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। अर्थ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रॉपरली ग्रोथ को दिखाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। वो सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन सभी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है रिप्रोडक्शन। इट इज नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ। अर्थ पे स्पीशीज के कॉन्टिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्पीशीज क्या होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के मेंबर हो, चाहे वो एनिमल्स के मेंबर हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के मेंबर हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक और नाम से डिनोट कर सकते हैं जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। तो चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहिए चाहे स्पीशीज कहिए, एक ही बात है। तो अर्थ पे जितने भी स्पीशीज हैं उन सभी की लाइफ साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहे इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और डेड मेंबर्स को रिप्लेस करने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे किसी भी पॉपुलेशन में, चाहे वो प्लांट्स की पॉपुलेशन हो चाहे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन हो, उसमें जितने मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो डेथ मेंबर को रिप्लेस करने के लिए नए मेंबर्स का बॉर्न होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स अगर डेथ हो जाती है कुछ मेंबर्स की, तो और नए मेंबर्स का बॉर्न होना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से पूरी साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, तो बॉर्न होने के लिए उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है। अब ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी, द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे नेक्स्ट जनरेशन को आगे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से चाइल्ड को बॉर्न करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, एक प्लांट है उसका सीड है वो जर्मिनेट करेगा तो एक नया प्लांट निकलेगा। या हम अभी बडिंग के बारे में, फ्रैगमेंटेशन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एक ही प्लांट से और दूसरे प्लांट कैसे बन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रोडक्शन हो जाएगा कि एक ही प्लांट से उसके जैसे और आगे जो उसके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से ही बनते हैं। ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में चाइल्ड बॉर्न करता है, एनिमल्स में भी ऑर्गेनिज्म बॉर्न करते हैं, प्लांट्स में भी एक प्लांट से और कई प्लांट्स बन जाते हैं, आगे नेक्स्ट जनरेशन आती है, ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। तो ये सभी जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम ऑफस्प्रिंग नाम से संबोधित करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की कैटेगरी में हो चाहे ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में हो। ऑफस्प्रिंग वर्ड हर जगह यूज होता है। अगर ह्यूमंस का नया कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो उसको भी हम ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, एक प्लांट से नए प्लांट और बने हैं उन्हें भी ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, या कोई एनिमल है जिसका कोई और आगे ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है तो उसे भी हम ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। आई होप आपको ऑफस्प्रिंग वर्ड क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं, जितना ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफर करती हैं स्पीशीज की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी काफी डिफर करता है। कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस पर डिपेंड करेगा उनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन किस मोड से होगा। अभी हम दो तरह के मोड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सिंपली भी हो सकता है, जैसे कि डिवीजन ऑफ पैरेंट सेल। पैरेंट सेल होता है एक पैरेंट सेल, जैसा कि मैं अमीबा बना देती हूँ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका भी डिवीजन होगा एक ही पैरेंट सेल से। तो ये सिंपलर है, ये एक सेल से बना हुआ है तो इसका डिवीजन इजिली हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में भी। तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहां प्रेजेंट होते हैं यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में यानी ह्यूमन बींग्स में, तो वहां पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और रिप्रोडक्शन का मोड भी बदल जाता है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और प्लांट्स में जैसा कि मैंने अमीबा बताया और हाइड्रा होता है, प्लेनेरिया होता है, इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि काफी सिंपल होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीजें हो गई। अब हमें पता है एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है कि सभी जितने भी मॉर्टल चीजें हैं वो सभी रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोडक्शन की मैंने डेफिनेशन बता दी है, दिस फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही होता है, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन इज टू मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ, ये हम बता चुके हैं, ये लाइफ की कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मेंबर्स अर्थ पे जी रहे हैं वो आगे रिप्रोड्यूस करके आगे नए यंग वंस को नहीं बॉर्न करेंगे तो उनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी। जनरेशन टू जनरेशन कॉन्टीन्यूड रहता है ये, और एक तरह का बिल्डअप लिंकेज फॉर्म करता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेज में हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रा में होता है तो एक नया हाइड्रा कैसे बनता है, हाइड्रा की बॉडी में एक छोटी सी बड निकल आती है, ऐसे हाइड्रा की अगर बॉडी है तो उसमें छोटी सी बड निकल आएगी, वो बड पेरेंट बॉडी पे निकलती है, ये पेरेंट बॉडी है, तो पेरेंट बॉडी पे ये जो बड निकल आई है ये धीरे धीरे ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी, जब पूरी तरह से ग्रो कर जाती है तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और अलग निकलने के बाद ये एक नया हाइड्रा बना लेती है। तो इस तरह रिप्रोडक्शन के मोड अलग अलग होते हैं। अमीबा की बात करें अगर, तो अमीबा में भी अमीबा एक सेल का बना हुआ होता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, जैसे कि ये अमीबा का डायग्राम है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा और दोनों ही अलग अलग ग्रो कर जाएंगे, दो अमीबा बन जाएंगे एक ही अमीबा से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह हमने ईस्ट के बारे में देखा, ईस्ट में भी बड फॉर्मेशन होता है, बड निकलती है और एक नया ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। स्नेक्स की बात करें तो ये एग ले करते हैं और यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए और जितने भी एनिमल्स हो गए, ये सब ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। इजी वे टू स्टडी अबाउट द वेरियस मोड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट आगे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दो पेरेंट मिलकर आगे नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। दो पेरेंट यहां पर इन्वॉल्व होंगे, एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट होगा, और यहाँ पे एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। फर्दर की वीडियोस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें से हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।